हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ। अब क्या आप सब ठीक होंगे? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफ स्टाइल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जो आप दिन की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, ये है जीरे का पानी। तो अभी नवरात्रों में सिर्फ जीरे का पानी लेती हूँ या गर्म पानी लेती हूँ, तो आज मैं जीरे का पानी ले रही हूँ। तो इसी को मैंने उबाला दिलवा लिया, बस मैंने छान लिया, इसको ही मैं पीऊँगी अब आराम से, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर पीऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा हॉट है ये, तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट देखती हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ समझ में नहीं आता है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाऊँ? लंच का चलो एक चीज़ पता होती है कि हमको प्रॉपर अच्छे से लंच करना है, लेकिन जो ब्रेकफास्ट है ना नवरात्रों में, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। सुबह सुबह मैं नाश्ता क्या खाऊँ, स्मूदी पीऊँ, फ्रूट्स खाऊँ, क्या खाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि नवरात्र में सुबह सुबह ऑप्शन थोड़े कम होते हैं, मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अभी देखते हैं क्या मैं बनाती हूँ, क्या खाती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलो मैं ये पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मेरे ब्रेकफास्ट में आज है, एक एप्पल है, एक पूरा अनार है, और ये है बनाना स्मूदी है, बनाना शेक है। एक बनाना लिया था सिंगल और दूध लिया था आधा कप, बस उसी को ही मैंने ग्राइंड कर लिया, कोई मीठा वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि बनाना ऑलरेडी ही स्वीट होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो हाफ चम्मच आप इसमें शहद का डाल सकते हैं, मेरे को ऐसे सही लगता है, इसलिए मैं ये पी रही हूँ। मेरे को थोड़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए मेरे को लगा एप्पल और अनार से इतना मेरा पेट नहीं फूल होगा, इसलिए मैंने ये शेक ले लिया है साथ में। तो एक काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है हमारा, अगर हमको भूख लगी हुई तो ये नहीं कि हमको फिर अगर हम खा भी लें उसके बाद क्रेविंग्स होती रहे, इसलिए मेरे को लगा मैं शेक बना लेती हूँ। बस आज मेरे ब्रेकफास्ट में ये है, तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। जैसे कि आपको मालूम है, बताया था कि नवरात्रे में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वैसे भी नवरात्रा हम लोग नवरात्रे की जो कंजके पूछते हैं ना, वो हम पूछते हैं अष्टमी में, कई लोग पूछते हैं नवमी में। तो मेरा नवरात्रा कल का है, सेवंथ, आज सिक्स है ना, आज मेरा सिक्स डे है, तो कल सेवन डे, आठवें दिन हम कंजके पूछते हैं, कई लोग नौवें दिन पूछते हैं, हम लोग आठवें दिन पूछते हैं। तो आप लोग बताना, आप लोग नवमी में कंजके पूछते हो, कंजके बिठाते हो, या फिर अष्टमी में बिठाते हो? लोग अष्टमी में बिठाते हैं। तो कल की बात है, ब्रेकफास्ट का थोड़ा वो लगता है ना, क्या खाएं, तो परसों तो समझ में आ जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ आराम से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट में। अनार एप्पल और स्मूदी है। तो गाइज अभी लंच का टाइम हो गया, लंच में आज मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। मैं बनाऊंगी, मैं आलू पनीर की सब्जी बनाऊंगी जो कि मेरे फास्ट है, और मैं आज रोटी नहीं बनाऊंगी साथ में, मैं कुट्टू के आटे की मैं आज बनाऊंगी, सामक के हम लोग सामक के चावल बोलते हैं, और मेरे पास काफी कॉमेंट्स आते हैं तो वो समा बोलते हैं, हम लोग सामक बोलते हैं, तो सामक के राइस बनाऊंगी। तो दो चीज़ें बनाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी एंड हेल्दी और बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती हैं। और जो जैसे आलू पनीर की सब्जी बनाने लगी हूँ, पहले उसके लिए तीन टमाटर लिए और जरा सा ये अदरक लिए, इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। जरा सा मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी, तो मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर और अदरक का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची, एंड जरा सी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, दैट्स इट। अब मसाला भून लेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। तो गाइस अच्छे से मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और इसकी सीटी लगवाएंगे 1 से 2, फिर इसका प्रेशर खोल के इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो ये आलू गल गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर, इसको 4-5 मिनट मैं गैस पे रखूंगी अच्छे से, जब ये चीजें मैश हो जाएंगी तब मैं इसको गैस को बंद करूंगी। हम इसमें धनिया डाल देंगे, राइस मैं बनाने लगी हूँ, सामक के राइस बनाने लगी हूँ। इसके लिए थोड़े से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सामक के राइस लिए हैं, और ये आलू लिए हैं, टमाटर लिए, इतना ही डलेगा इसमें, और जो सा ये है, ये घी गर्म हो रहा है, अब इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे जीरा, अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, कर देंगे टमाटर, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, दैट्स इट। तो टमाटर अच्छे से ये मैश हो चुके हैं, अब हम इसे पानी ऐड कर देंगे, जितने आपके राइस होंगे, जितने चावल होंगे, उसका 4 गुना पानी डलेगा, क्योंकि ये सामक की राइस ज़्यादा पानी सोख करते हैं। अब इसको एक बॉईल आएगा तो इसमें हम राइस ऐड कर देंगे, तो उबाला आ गया अच्छे से, अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, और इसको हम सिम पे रख देंगे मीडियम पे। तो ये बन गए हैं, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से धनिया, तो ये रेडी हो चुके हैं। मैंने गैस बस बंद कर दी है, और ये देखने में आप देख सकते हो तो कितने अमेजिंग लग रहे हैं, खिले खिले हैं, ऐसा नहीं कि चिपके आपस में।
लंच की थाली रेडी, जिसमें आलू पनीर की सब्जी बनाई है, एक कटोरी है दही जिसमें है पुदीने की चटनी, साथ में सामक के राइस और साथ में सैलड में है खीरा और मूली। तो ये परफेक्ट थाली है, हमको भूखा भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, हमको फास्ट है, ये नहीं है कि हमको लंच अच्छे से नहीं करना है, लंच तो एक प्रॉपर अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरी थाली कितनी ज़्यादा हेल्दी एंड डिलीशियस है। तो आज मैंने ये सामक के राइस बनाए हैं, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। अगर आप इसमें पीनट्स मूंगफली ऐड करना चाहते हैं तो आप रोस्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। और मेरी थाली आप देख सकते हो यही है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये आलू और पनीर कैसा बना है सब्जी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं, जो दिन मैंने पनीर बनाया था ऐसे ही आलू ऐड कर दिया और ये हमारे घर में बनते हैं ऐसे, बहुत यम्मी लगता है। फास्ट में तो आपको मालूम है यही मसाले डलते हैं, तो इसी में ही सब्जियाँ कम मसाले डले और जिसमें डिलीशियस बनती हैं। बहुत कम मसालों में ही मेरे को सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, मेरे को ज़्यादा मसाले वैसे भी नहीं अच्छे लगते। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये सामक के राइस कैसे बने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, अगर आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं ट्राई किया आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत यमी बनते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे एंड टेस्टी। इसमें चार गुना पानी डलता है क्योंकि ये पानी ज़्यादा सोखता है। बहुत टेस्टी मेरी थाली लग रही है, मेरे से कंट्रोल नहीं आ रहा, अब मैं आराम से बैठ के खाती हूँ अपना लंच, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। चटनी है, इसमें हमने डाली हुई है मूली डाली हुई है, टमाटर डाला हुआ है और पुदीना डाला हुआ है, हरी मिर्ची डाली हुई है, नमक डाला हुआ है बस। और ये बहुत अच्छा लगता है मूली वाली चटनी, आप ट्राई करना अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया। तो चलो मैं खाती हूँ आराम से बैठ के। A few moments later. तो गाइस मैं अपने डिनर के, तो गाइस बहुत जोर की कोई हॉर्न बजाता हुआ जा रहा है, जॉब कर रहा है। तो मैं डिनर का अपना बनाने लगी हूँ, डिनर में आज मैं बनाने लगी हूँ साबूदाना खीर बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने दूध को बॉईल करना रख दिया। और ये साबूदाना है, इसको सिर्फ मैंने 2 घंटे के लिए सोख करके रखा था, भिगो के रखा था। साबूदाना जितना आप लें उससे इतना सा पानी आपको ऊपर लेना है, 1 इंच मतलब बिल्कुल जरा सा, वो अच्छे से सोख हो जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगो के रखा और आप देख सकते हो कितना अच्छे से फूल चुका है। तो ये अच्छे से बॉयल हो जाए दूध, फिर हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। तो ये दूध को बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबूदाना को। अब हम इसको सिम पे रख देंगे, मीडियम आंच पे रख देंगे, पकने देंगे। तो गाइस ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। पता है अब इसकी मैंने ना गैस बंद कर दी है क्योंकि मेरे को इसमें शक्कर ऐड करनी है मीठे के लिए। तो शक्कर मैं इसके डालूंगी 1.5 चम्मच, मैं इसमें मीठे के लिए ऐड करूंगी 1 एंड 1.5 को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये बन चुकी है। तो गाइस अभी डिनर का टाइम हो गया, अभी 6 बजे और मैं खा रही हूँ अपनी ये साबूदाना खीर लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको हम नवरात्रि में भी खा सकते हैं, इसको अगर आप बाद में खाना चाहते हैं बाद में भी खा सकते हैं, जैसे कि साबूदाना बहुत अच्छा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो हमको इसको इंक्लूड करना चाहिए अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो ये काफ़ी परफेक्ट है, अगर आपको इसमें वो डालने हैं ड्राई फ्रूट्स, अगर आपको बीच में बनते हुए डालने हैं तब आप तब भी डाल सकते हैं, ऊपर से गार्निश करना चाहते हैं ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट, काजू बादाम पिस्ता जो आपका मन करे। तो मैंने सिर्फ काजू और बादाम डाले थोड़े से, तो बस आज मेरी ये है। और मैंने मीठे में कुछ चीनी ऐड नहीं किया, शक्कर का 1.5 चम्मच ऐड की है। अगर आप इसमें केसर ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके घर में केसर है तो थोड़ा सा आप केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर नहीं था, अगर है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, उससे और भी टेस्ट आएगा। तो चलो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना है, बहुत टेस्टी बनी है ये खीर, अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई करी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी है, वेट नहीं बढ़ेगा, इतना सा क्वांटिटी है, इसको खाने से कितना को आपका वेट बढ़ जाएगा, वेट नहीं बढ़ेगा और अच्छी भी है, वेट लॉस रेसिपी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। इसको गर्म गर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ठंडा करके खाती हूँ, मेरे को अच्छा लगा ठंडा करके। तो चलो मैं अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ, फिर वापस थोड़ी देर में मिलती हूँ।
तो गाइस मेरा डिनर डन हो चुका है, अभी टाइम हो चुका है 6:20 का और मैं डिनर डन हो चुका है। बस मैं आधे एक घंटे बाद ग्रीन टी लूंगी, फिर रात में मैं नाइट ड्रिंक लूंगी। नाइट ड्रिंक में मैं गर्म पानी लूंगी, तो नाइट ड्रिंक में मैं जीरे का पानी भी लेती हूँ या गर्म पानी भी लेती हूँ। अभी मैं दालचीनी का पानी नहीं ले रही। और मेरे पास कमेंट आया था कि जीरे का पानी मतलब अगर हम रात को लेना चाहें तो क्या हमको कितने टाइम तक भिगो के रखना पड़ेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। जीरे का पानी ना मैं इंस्टेंट ही उसी टाइम रात को अगर मैं पीती हूँ तो इंस्टेंट उसी टाइम भी मैं भिगोती नहीं हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। अगर मैं दिन में जिस मॉर्निंग में पीती हूँ तो मैं रात को भिगो के रखती हूँ, अगर मैं रात में ही पी रही हूँ तो उसी टाइम मैं 3-4 बॉयल करवा के उसको पी लेती हूँ, तो उसी टाइम हम पी सकते हैं। और काफी अच्छी ड्रिंक होती है जीरे के पानी की भी। तो आज आपने देखा होगा मैंने आज नमक के राइस बनाए थे और फिर मैंने ये वाली खीर बनाई थी, दोनों की दोनों रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, वेट नहीं बढ़ता है इनसे। सामक के राइस भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है और इनसे साबूदाना ये भी बहुत ज्यादा यमी एंड हेल्दी होता है। ऐसी चीजें खाने से आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा, तो आप अगर इसको इंक्लूड करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में तो आपका कम से कम 2 से 3 किलो वजन तो जाएगा ही जाएगा 9 डेज में। तो आप बताना आपको आज की कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी। अगर आप नए हैं न्यू तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो लाइक करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।